हम दादी गुलजार जी के अनमोल वचन सुन रहे हैं। टाइटल है क्लास का, अशरीरी अवस्था का अनुभव करने के लिए मन कंट्रोल में हो, बाबा से जिगरी प्यार हो। बाबा से मन निकल करके व्यर्थ संकल्पों में अटक जाए, ये तो रॉन्ग है न? काम करते हुए मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है, इस खुशी के अनुभव में रहे। कौन है और कौन मिला है, हम कौन है और हमें कौन मिला है, ये खुशी रहे। क्या दिया है, उससे हम क्या बने हैं। अशरीरी अवस्था का अनुभव करने के लिए पहले ये सब चेकिंग करो। किसी भी प्रकार से व्यर्थ की आदत चंचल बना देती है, इसलिए व्यर्थ को जब तक समर्थ संकल्प नहीं दिया है, यानी जगह नहीं भरा है, तो मन कभी भी अचल नहीं होगा। बाबा कहते हैं, मुरली है शुभ संकल्पों का खजाना। अगर व्यर्थ चलता है तो कम से कम पूरी मुरली नहीं तो धारणा का सार, वरदान और स्लोगन ही पढ़ लो, यानी बाबा की मीठी मीठी बातों को याद करो। ऐसी ऐसी विधियां अपनाओ तभी तो शरीरी बन सकेंगे। डबल अंडरलाइन। लास्ट घड़ी हमारे को पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना है। अभी तो कभी कैसे चल रहे हैं, ये तो बाबा जाने और हम जाने। लेकिन लास्ट घड़ी जो आनी है उसमें अचानक चारों तरफ कुछ न कुछ होता रहेगा। अंत के समय हर चीज अति में जानी है। ऐसे टाइम पर आपको एक सेकेंड अशरीरी बनने में लगे, और अगर हमारा चारों तरफ में से किसी तरफ अटेंशन अर्थात ध्यान चला गया तो पास विद ऑनर तो गया, फिर वो थोड़ी सेकेंड आएगा। इसलिए राजा अर्थात मालिक बन करके शरीर को मन को चलाओ। तो हमारी एम यही हो कि पास विद ऑनर होना है और माला का मन का बनना ही है। तो इतना निश्चय बुद्धि और नशे में रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो अवश्य होंगे। जो कल्प बीत गया उसमें मैं ही विजयी था, मैं ही हूँ और मैं ही हर कल्प में बनूंगा, ऐसा नशा होना चाहिए। और कौन बनेगा, हम ही तो बनेंगे। तो इस नशे और निश्चय से पुरुषार्थ हो तो हमारा संकल्प बाबा पूरा नहीं करे, ये हो ही नहीं सकता। अहंकार से नहीं, रूहानी नशे से अगर हम इस निश्चय में चलते हैं तो भगवान को हमें आगे रखना ही पड़ेगा। ये अभिमान नहीं लेकिन प्रैक्टिकल रूहानी निश्चय का रूहानी नशा होना चाहिए। दिल की मुस्कुराहट चेहरे पर आपे ही आती है, और वह हर्षित मुख चेहरा हमेशा सेवा का साधन बनता है। प्राप्ति वाली शक्ल कैसी होगी, खुशी हमारे जीवन की मिल्कियत है, इसलिए इसे कभी गंवाना नहीं चाहिए। कोई तो बीती हुई बातों को रिपीट करने से परेशान होते रहते हैं, खुशी गुम हो जाती है, और खुशी गंवाना माना हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों गंवाना। खुशी जैसी खुराक नहीं है। डबल अंडरलाइन। खुश रहो और खुशी बांटो, जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। और शरीरी बनने के लिए मन को बिजी रखने का ख्याल जरूर रखना, क्योंकि मन ही धोखा देता है। और दूसरा, कभी शक्ल ऊपर नीचे नहीं हो, हमारा चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ। कुछ भी हो जाए, चिंता करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, सोचने से कुछ बन जाएंगे क्या, जो बीत चुका उससे क्या बनेगा, चिंता मिलेगी बस और कुछ नहीं मिलेगा।
यहां दृढ़ संकल्प करके जाओ, सभी संकल्प से पहुंच जाओ मधुबन में और दृढ़ संकल्प कर लो कि कुछ भी हो जाए मेरी खुशी नहीं जाए, मुझे अपना चेहरा रूहे गुलाब जैसा रखना ही है। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 9:15 बजे। ओम शांति।